आज हम आपको अर्ध प्रसारितासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारा विशेष अनुरोध है कि किसी भी यौगिक क्रिया, योग, प्राणायाम, ध्यान को करते समय एक मंद मुस्कुराहट रखें तथा प्रसन्नचित अवस्था के साथ किसी भी यौगिक क्रिया का अभ्यास करें, जिससे इन यौगिक क्रियाओं का लाभ दो गुना मिलता है। अर्ध प्रसारितासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब पैरों को जितना फैला सकते हैं सहज रूप से फैलाएं। शरीर का भजन हाथों पर देकर सांस छोड़ते हुए सामने झुके अब पैरों को पूरी तरह फैलाएं और इस अवस्था में जितनी देर रुक सकें 4-5 सेकेंड रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर आए। श्वास लेकर आपको पैरों को फैलाना है, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है, पैरों को फिर पूरी तरह फैलाना है, जितनी सहज रूप से फैला सकें। दृष्टि आपकी सामने रहेगी। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो 4 बार करना पर्याप्त होगा। अन्य आसनों के साथ इस योगाभ्यास को कर रहे हैं तो 2 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे जहाँ कहीं शरीर में तनाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। भीतरी जांघ की पेशियों में बहुत तनाव रहता है जो इस आसन के अभ्यास से दूर हो जाता है। लंबे समय तक पैरों पर खड़े रहने और लंबी सैर से उत्पन्न थकान भी इस आसन के अभ्यास से मिट जाती है। इस आसन के अभ्यास से हाइपोथैलेमिक लिम्बिक संस्थान के आसपास की मूल संरचना प्रभावित होती है, जिससे मानसिक परेशानी और तनाव में कमी आती है। रक्त की आपूर्ति में वृद्धि होती है और स्नायु पुष्ट होते हैं। जननेन्द्रियों, मलद्वार आदि अंगों को यह आसन प्रभावित करता है, जिससे ये सभी अंग मजबूत व स्वस्थ बनते हैं। यौवन शक्ति को यह आसन बढ़ाता है तथा जीवन की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अर्ध प्रसारितासन, अर्ध यानि आधा, प्रसार यानि फैलाना, आसन अर्थात मुद्रा या पोज अर्थात इस आसन में पैरों को पूर्ण रूप से प्रसारित न करके अर्ध रूप में रोका जाता है, इसलिए इसे अर्ध प्रसारितासन कहते हैं। हमारा विशेष अनुरोध है किसी भी योगाभ्यास ध्यान को किसी योगी गुरु के सान्निध्य में ही अभ्यास करें व सीखें। इस आसन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, मूलाधार, अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होता है। उच्च रक्तचाप, हृदय के गंभीर रोगी, कर्ण रोगी, नेत्र रोगी, स्लिप डिस्क के रोगी, चक्कर की बीमारी वाले लोग, वर्टिगो के रोगी, कमर दर्द वाले लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को साइटिका का दर्द हो वे लोग भी इस आसन को करने से बचें। तो यह था अर्ध प्रसारितासन योग करने की विधि व उसके लाभ।